दिलीप रायंकु नेइ एक बड़ खबर, कोइला ब्लॉक आवंटन दुर्नीति मामलें पूर्वतन केन्द्रमंत्री दिलीप रायंकु तीन वर्षर जेल। कोल स्कैम दंडादेश कले स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। 1999 मसीहा झारखंड कोल ब्लॉक आवंटन मामलें दंडादेश, ब्रह्मडीय कोल ब्लॉक सीटीएल को आवंटन नहीं अनियमितता होता। अन्य दुई अधिकारी तीन वर्ष जेल दंडादेश शुणाई सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट। अन्य दुई अधिकारी हेले नित्यानंद गौतम एवं प्रदीप बानर्जी। प्रदीप बानर्जी एवं नित्यानंद गौतम को मध्य तीन वर्ष जेल दंडादेश होई। दिलीप राय को समेत पूर्वतन केन्द्रमंत्री दिलीप राय को पूर्व दंडादेश शुणाई सारी सीबीआई कोर्ट और आज तीन वर्ष जेल दंडादेश कर स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। 1999 मसीहार झारखंड कोल ब्लॉक आवंटन मामलें दंडादेश पूर्व शुणाई सारी स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। आज तीन वर्ष जेल दंडादेश होई सहित अन्य दुई अधिकारी नित्यानंद गौतम और प्रदीप बानर्जी को मध्य तीन वर्षर जेल दंडादेश शुणाई स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट यह राय तीन वर्ष जेल दंडादेश दिलीप राय को सहित नित्यानंद गौतम और प्रदीप बानर्जी को मध्य तीन वर्ष जेल दंडादेश शुणाई स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट। शंकर आनंद अधिक सूचना देवा आम सहित प्रतिनिधि अच्छा आम नुआ दिल्ली। शंकर, तीन साल की सजा सुनाया है सीबीआई के कोर्ट ने, स्वतंत्र कोर्ट ने, और दिलीप राय के समेत और जो दो अधिकारी है उनको भी तीन साल की सजा सुना है, उनका वकील का क्या कहना है और सीबीआई के जो वकील है उनका क्या कुछ कहना है? निश्चित तौर पर देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कही जा सकती है और जिस तरह से झारखंड के गिरिडीह में 1999 में कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में जिस तरह से इस मामले पर सीबीआई ने केस रजिस्टर किया था और इस मामले की तफ्तीश करने के बाद जिस तरह से कोर्ट में बकायदा तमाम साक्ष्यों और तमाम सबूतों को रखा गया है, कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए एक बड़ा फैसला सुनाते हुए इन जो पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय समेत तीन आरोपियों को तीन साल की सजा का प्रावधान सुनाया है। तीन साल की सजा, हालांकि इस मामले पर जो सीबीआई की तरफ से जो एडवोकेट थे उनके तरफ से कहा जा रहा था, वो अपील कर रहे थे कि इस मामले में इन लोगों को, इन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, लेकिन जो आरोपी पक्ष है उसके तरफ से जो वकील है वो अपील कर रहे थे इन तमाम जो आरोपी हैं उसकी उम्र को देखा जाए और इस कोविड का समय का देखा जाए तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए उसे कम से कम सजा दी जाए और ये लोग काफी सजा पहले से भी प्राप्त कर चुके हैं, तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने तीन साल की सजा का फैसला सुनाया है और ये जो फैसला सुनाया है जो सीबीआई की ब्राउज रेवेन्यू कोर्ट है उन्होंने इस मामले में सुनाया है। और अन्य दूसरे आरोपियों की बात करें तो नित्यानंद गौतम और इस मामले में जो एक कंपनी जो जिसको आरोपी बनाया गया है वो कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी के जो निदेशक है महेंद्र कुमार अग्रवाल, उनको भी इस मामले में पाया गया है। और जिस तरह से कैस्ट्रॉन टेक्नोलॉजी कंपनी की अगर बात करें उसके खिलाफ काफी महत्वपूर्ण सबूत पाए गए थे और शायद इसी का तकाजा है कि वरिष्ठ जो अभियंता रहे इस मामले में, जो वरिष्ठ अधिकारी रहे हैं प्रदीप कुमार बैनर्जी, उनको भी इस मामले में आरोपी पाया गया है। और जो दिलीप रॉय हैं, दिलीप रॉय उस वक्त में अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त में ये मंत्री रहे हैं दिलीप रॉय, तो दिलीप रॉय को भी इस मामले में दोषी पाया गया है। और जिस तरह से इतने सालों तक 1999 का मामला समझा जा सकता है कि इतने सालों तक सीबीआई इस मामले की तफ्तीश कर रही है और तफ्तीश करने के बाद इन तमाम जो सबूतों को कोर्ट में रखा गया तो सीबीआई ने आरोपी जरूर माना, लेकिन जिस तरह से कोर्ट ने बकायदा इस मामले पर तीन साल की सजा मुकर्रर की गई है और जो विशेष न्यायाधीश हैं भरत परासर उस मामले को पूरा देख रहे थे, इस मामले पर सुनवाई कर रहे थे, तो इस मामले पर जो आरोपियों के तरफ से जो मुख्य पक्ष रखा गया था वो रखा गया था इनके वृद्धावस्था, यानी कि ये सीनियर सिटीजन हो चुके हैं और इनकी उम्र काफी हो चुकी है, लिहाजा उस उम्र का ख्याल रखा जाए। आरोपी जरूर है लेकिन उसके उम्र का ध्यान रखते हुए और अभी जिस वक्त में, अभी जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल है तो उसको ध्यान में रखते हुए कम से कम सजा की एक अपील की गई थी और शायद इसी का तकाजा है कि तीन साल की सजा का फैसला सुनाया गया है। और अगर इस चीज को लेके दिलीप रॉय के वकील जो है, जो एडवोकेट है, उनका क्या कुछ कहना है, क्या वो ऊपरी अदालत में जाएंगे क्या? देखिए, दिलीप रॉय के जो वकील हैं अब तो इस मामले में वो आगे नहीं जा सकते हैं क्योंकि अभी तक वो शुरुआती तौर पर भी ऐसा फैसला नहीं किया है, लेकिन तीन साल की जो सजा है एक तरह से कहा जाए बहुत कम सजा है,
तो मुझे नहीं लगता है कि इस तरह के मामले को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अभी इस मामले पर जो दिलीप रॉय के जो वकील हैं वो इस मामले पर लेकर आपस में बैठ के बातचीत करेंगे और वो लोग उसके बाद तय करेंगे क्या इस मामले को लेकर आगे अपील करना है या नहीं करना है। हालांकि यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण पक्ष होगा सीबीआई को ध्यान रखना, क्या सीबीआई इस मामले को आगे लेकर अपील करती है कि नहीं, क्योंकि सीबीआई इस मामले पर अपील कर रही थी कि इन तमाम दोषी जो लोग हैं उसको आजीवन कारावास की सजा होनी चाहिए, आजीवन कारावास सबसे कम इसको आजीवन कारावास होना चाहिए। इस मामले को लेकर भी चर्चाएं हो रही थी कि इस मामले में अगर ऐसा होता है तो आजीवन कारावास पाने वाले पहले ऐसे आरोपी होंगे जो कोयला खदान आवंटन मामले में जिस तरह से दोषी माना गया था, जिस तरह से बकायदा इनके खिलाफ तमाम सबूतों को रखा गया था, तो एक अपने आप में बहुत दिनों से चर्चा के केंद्र बना हुआ था ये मामला कि आजीवन कारावास होगा या नहीं होगा। लेकिन कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है इस मामले पर। अब ये देखना लाजमी होगा कि क्या सीबीआई आगे इस मामले पर अपील करेगी या नहीं करेगी। अगर अपील करेगी तब उस वक्त में दिलीप रॉय की तरफ से जो वकील हैं वो अपना बचाव का पक्ष रखेंगे। और अभी शुरुआती दौर पर अभी हालांकि उनके वकील का कहना है कि अभी वो इस मामले पर चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और बाद में इस मामले पर देखा जाएगा कि क्या आगे अपील करना है कि नहीं करना है। ये 3 साल का जो सजा है इसके खिलाफ क्या अपील करना है या नहीं करना है तो आगे देखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शंकर अभी के जानकारी के लिए आपको। शंकर आनंद अधिक सूचना दौले आम नुआ दिल्ली प्रतिनिधि वर्तमान वरिष्ठ सांबादिक रवि दास अच्छा आम सहित। श्रीजुक्त दास आपको स्वागत करुच्छे। श्रीजुक्त दास जिते दंडादेश होता आप प्रतिक्रिया नहीं बर्तमान तीन वर्ष दिलीप राय को 3 वर्ष जेल दंडादेश हो जहां दिलीप राय वकिल कहवा कथा कि जेहेतु बर्तमान बयस अधिक होते कम दंडा होती से अपिल करते आधार कर सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट 3 वर्ष जेल दंडादेश देते कौन कहे निश्चित भाव में गोटे कथा निश्चय कहबी जेहेतु सी दोषी सब्यस्त हो सारी मामला जी दोषी सब्यस्त हूँ कम से कम 5 वर्ष ऊर्धे जेल दंड हो जाए जहां लालू यादव को रही आप देखिए कितु यही घटन आंकर जो अपराध सीधा सड़क हुए तो जदि थे दोषी सब्यस्त है आजीवन कारदंड भी पारे बहुत अधिका कारदंड हवा कथा किंतु 3 वर्ष होती मानने अदालत से ही हिसाब से बयस अवस्था देखिकी ये जुक्ति करते दिलीप राय को वकिल शुणी जो दिन प्रथम जो दिन दंडादेश शुणवार पनिशमेंट से न करी 26 तारीख पर्यटन नहीं दंडादेश को 3 वर्ष को नहीं गोटे कौ मु कह दृष्टि कितु एवं बर्तमान दीटा अप्सन अच्छी गोटे अप्सन हूँ सीबीआई ये मामल में अधिक दंडादेश अपिल करे एवं आउ गोटे हूँ दिलीप राय वकिल आ विरुद्ध में अपिल करे कोर्ट सीबीआई स्पेशल कोर्ट रो जजमेंट विरुद्ध में जी ऐसा जी जे टेक्निकाली से प्रकृत में कौन अपराध करना जोटा से आगु कहते बराबर कहते से कथा बुझे जदि टेक्निकाली ग्राउंड थाए से विरुद्ध निश्चय अपिल करे कि जदि न करती 3 वर्ष आम सजा भोग पड़ो मु भावी से निश्चय अपिल करे एवं अपर पक्ष में सीबीआई जीवन ना भूल कर अधिका दंडा पाइंका ये दुटा जिनस अप्सन रही अप्सन भितर कौटा नौ जानी आज हुए तो सी बेल पे सांगे सांगे देवे बेल आज हुए तो हा ना सी जी जावा पड़ो कारागर को जवाब पड़ो कितु गोटे बड़ कथा हूँ आज घटना पर दिलीप राय नहीं जो ओडारे से खाली तो जड़े राजनेता खाली नुंती से जो बड़ प्रतिष्ठित शिल्पपति व्यवसायी ग्रुप ऑफ होटेल गोटे ओडिशा भारत बर्ष नामकर ग्रुप ऑफ होटेल राजनेतार का पर्यटन 2019 पर्यटन से विधानसभा सदस्य थे पूर्व केन्द्र मंत्री बंद थे तेणु से ही जन राजनीतिक चेहरा भाव में जो ओडिशा जो प्रतिष्ठा था जो प्रतिष्ठित था सेटा तो भावुचे सबुदिन लोप पाईला कितु व्यवसायिक भाव में व्यवसाय प्रतिष्ठान से क्या किपर भाव में चलो व्यवसाय प्रतिष्ठान कहीं ये भारी सर्भाइंग भल इंडस्ट्री भाव में से सफल इंडस्ट्री भाव में होटेल शिल्प भाव में सारा देश से ना कर शिल्प किपर भाव चलो देखा पड़ो कितु प्रति होता दंडादेश निश्चित भाव में मुझे कहि दीटा पक्षर उपर कोर्टे अपिल कर स्कोप रही।
धन्यवाद आपणको प्रतिक्रिया पई जहां श्रीजुक्त रवि दास कहते वरिष्ठ सांबादिक उपर कोर्ट रे अपील करिबार संभावना रही है किंतु जहां स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट विचार करिछंती एवं दिलीप राय वकिलों जो आवेदन थिला जेते कम दंडादेश हो आधार कर स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट तीन वर्ष जेल दंडादेश देखती दिलीप राय को आम आलोचना करवा वरिष्ठ आईनजीवी अच्छा आम सहित सिद्धार्थ दास श्रीजुक्त दास आपको स्वागत करुच्छे आलोचना को श्रीजुक्त दास बर्तमान कोईला ब्लॉक आवंटन दुर्नीति मामलें जो दंडादेश शुणा जाता आधार कर दंडादेश दिखाई दिलीप राय को तीन वर्ष जेल होपे कौन संभावना रही वर्तमान दिलीप राय तो से निश्चित भाव दंड को तो सी चैलेंज करेंगे अपिल आकार व्यवस्था अच्छी किंतु दिलीप राय जो अभियुक्त कहला तेणु आज तो से कन्विक्ट होगले जेहेतु आज अदालत घोषणा करते तो से यही दफार ना प्रमाण आज मतलब दंड शुणाइले तेणु तर गोटे मात्र विकल्प अच्छी जे सी जेहेतु स्वतंत्र सीबीआई जज जेटा कर तेणु से स्थानीय राज्यर हाइकोर्टे अपिल करे एवं से जो अपिल करने जो समय दरकार से दिलीप राय वकिल आज स्वतंत्र सीबीआई जज को टाइम मागे एवं गोटे जमीन मागे बेल पर कहीं जेहेतु आज कन्विक्शन करागला से वर्तमान जेल कस्टडी रही है तेणु ताकू तो निश्चित भावे जो वकिल अच्छा दिलीप राय सी निश्चय गोटे समय मागे से समय से जमीन देवाई जी एवं ये जो कोर्ट जोटार कन्विक्शन है से एग्नेस्ट सी अपिल करेंगे स्थानीय हाइकोर्टे अपिल कलापर से गोटे जमीन आणवे और से ही जमीन को आणिकी आम जो कह ट्रायल कोर्ट बा कन्विक्शन जो कोर्ट कला पाखे देते अपिल सरला पर्यटन जमीन मिल कितु आज जो सी जमीन आवेदन करेंगे सी गोटे से जमीनटी गोटे टेम्पररी जमीन उपर कोर्टरु अपिलेट कोर्टरु जो अपिल करके गोटे आणवे जमीन से गोटे से व्यवस्था अच्छे आईन में निश्चित भाव दिलीप राय से व्यवस्था को निश्चित भाव एक्सेप्ट करेंगे एवं तार सी सुविधा ने कितु गोटे बड़ कथा हो आमे जाणिया भितर प्राय गोटे सीबीआई केस रे जड़े केन्द्र मंत्री को विशेषकर इस्पात विभाग जो को कोल स्टील माइन्स जो कहती से जड़े विभाग मंत्री को जमीन माने कन्विक्शन हवा मुझे भावुँ बोधे मो नलेज जहाँ अच्छी ये हुए तो प्रथम ही थी पारे तेणु ये गोटे बार्ता पहुँचाऊँ जे यही देश में जे से मंत्री हूँ जेटे पदवी पदवे हूँ समस्ते आईन आगे सामान एवं जितेबले जहाँ ना साक्ष्य प्रमाण आसी आए साक्ष्य प्रमाण को भित्तिक विचारपति आज दंड स्वीकार करते ये जो आम कहूँ जो विचार प्रक्रिया चलला हुए तो टी विलंब है जेहेतु ए खास करी बहुत डॉक्यूमेंट थिला से केमी से जो कोईला ब्लॉक आवंटन करागला एथिरे दिलीप राय मंत्री हिसाब से कौन रहिला एवं कौन से पब्लिक सर्वेंट हिसाब से कले एवं कौन पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट ना अग्रमा है और इंडियन पेनल कोड आगे जमी कहे 4.0 आईपीसी जो थे कि आपणकर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट ये सब नहीं है तेणु आगामी दिन मानक जो मंत्रालय सब अच्छी जो मंत्री अच्छा सी गोटे गोटे ये गोटे एग्जाम्पल है जे जी दुर्नीति कर दुर्नीति प्रमाण हो पार समस्त को दंड हे तेणु यही सूचनाटा को तो निश्चित भावे दिलीप राय जेहेतु जड़े मंत्री थे जो निर्दिष्ट दल से कर्मकर्ता अच्छा आगामी दिन मानक जो सी जो प्रार्थित्व दाखल करती गोटे ना क्रिमिनल आंटीसीडेंट भी रहा जेहेतु से गोटे दाग जो कथा कहला सुप्रीम कोर्ट दागी नेता मानकर जो मैंने इलेक्शन में कंटेस्ट करवाचन पूर्व स्थानीय न्यूज पेपर में तीन थर तर ये तेनाली जानी दिलीप राय ना आगुरी कौन मकदमा होती आगुरी मकदमा जहाँ थी ये गोटे वरिष्ठ प्रणाम जेहेतु सी मंत्री थिला बेलें मंत्री पदर अपव्यवहार कर मंत्री पदर सुजोग नहीं मंत्री पद को जलांजलि से जो पैसा किकबैक होता से संपुक्त अच्छा निश्चित भाव गोटे निर्वाचन मंडली दिलीप राय
गोटे सूचना तो गोटे खराब सूचना जीव जदिओ गोटे अपिल कर सुजोग अच्छे से तो अपिल करेंगे और अपिलेट कोर्ट जदि गोटे ये तलकोर्ट जजमेंट को जी सी कायम रखे तो सी तो गोटे आहरी अड़ुआ बढ़ जदि या कायम करें अपिलेट कोर्टर अधिकार अच्छी बा क्षमता अच्छी से दंड परिमाण कमे दे पारंती एवं दरकार पड़े दंडर परिमाण ये बढ़े दे पारंती। सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट चेष्टा जो तरह जो वकील चेष्टा करुथिले कि दिलीप राय को एवं तांको सहित आउ जो दुई जन अछन आजीवन कारादंडादेश दिया जाओ किंतु कोटना कोठी दिलीप राय को वकील एवं अन्य माने चेष्टा करिछंती सबुठारु कम दंड दिया जाओ एवं जहां फलरे कि स्वतंत्र कोर्ट 3 वर्षर दंडादेश सुनाइछंती या पर संभावना रहुछि कि आपण जहां कहउछंती कि होयतो उपर कोर्ट को गले हाई कोर्ट को गले होयतो दोष बढ़ी पारे दंड बढ़ी पारे बोली देखु सीबीआई कहीं कहते हैं आजीवन कारण दंड दिया आपड़ जो कहते सेक्शन गुड़िक इंडियन एंड पेनाल कोर्ट अच्छी विशेषकर आम जा सेक्शन 409 बा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट नो डाउट मंत्री जड़े पब्लिक सर्वेंट प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट अनुसार तेणु तुम्हें आपण जो विचारपति सीबीआई विचारपति स्वतंत्र विचारपति से मतलब से सेक्शन में दंडित करते कि तेनाली सीबीआई गोटे संभावना बहुत संभावना रोचे मुझेपरि जे ये दंड कहीं सर्वनिम्न दिगला एवं से निश्चित भाव हाईकोर्ट चैलेंज करेंगे से जो कथा कहते जदि आपणकर सेक्शन 409 आपणकर मैक्सिमम इम्प्रिजन अच्छी लाइफ इम्प्रिजन बा आजीवन कारादंड से हीपरी भाव अच्छी किंबा तांकु 10 वर्ष कारादंड दिजाव तेणु 10 वर्ष कारादंड भी दिगला नहीं 3 वर्ष दंड दिगला कहीं जहाद्वारा गोटे सुजोग दिलीप राय प्रति हो ये केस जो मान कन्विक्शन होती 3 वर्ष कराए जो अदालत ट्रायल कर सी चाहिए जमीन दे पारे मुझे भावुँ तो सी निश्चय जमीन पर आवेदन करेंगे और मत निश्चित भाव जमीन आवेदन को ऑब्जेक्शन करेंगे सीबीआई र जज किंतु गोटे कथा हूँ जे कहीं सर्वनिम्न दिगला ता प्रति मत जुक्ति गोटे छल रही कहीं मुझे भावुची ना आगुरी कौन से केस ना तेणु तो सी दिलीप राय गोटे फास्ट अफेंडर प्रथम अपराधी से गोटे रहा द्वितीय गोटे कथे रहा जो कथा मुझे कहती जे सी जो कहते फेरार हबार संभावना खूब कम रोचे कहीं सी गोटे निर्दिष्ट दल काम करते हैं निर्दिष्ट दल अच्छा सी गोटे ओडिशार बासिंदा और से परमानेंट बासिंदा आम कहीपर मैंने स्थायी बासिंदा ताकर से पर सहित रोचे बेस किसी आसेट अच्छी तेणु सी तर संभावनार जो आशा से टे बहुत कम अच्छी द्वितीय कथा हूँ जे जो कथा आम कहते जे ये जो क्रिमिनल आंटीसीड बंध मानने आगुरी बोध कौन तरह क्रिमिनाल केस थी पारे न थी पारे से हुए तो थी पारे जो गुड़िक राजनीति लोक मान गोटे कौन सी आपणकर कहतु धर्मघट कले प्रतिवाद कले विक्षोभ कले रास्ता रोक कले ये जो गुटा होता है से गोटा गोटे भिन्न धरण किंतु ये खोद गोटे मंत्रालय से मंत्री थी पदर अपव्यवहार कर तांकर जो आपणकर पब्लिक सर्वेंट जो दायित्व रोचे राज्य सरकार हो बा केंद्र सरकार हो बा राज्य सरकार अंडरटेकिंग हो बा केंद्र सरकार अंडरटेकिंग हो तेणु ये गोटे जो लाभजनक आपणकर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कथा कह कोल ब्लॉक कथा कह ये गोटे कमर्शियल इंस्टीट्यूशन एथेर लाभर अच्छी तेणु से कहीं कौन को भित्ति करी जो जो आपणकर अभियोग हो अभियोग तो आपात प्रमाण हो गला तेणु कथाटा है जे सीबीआई टी आशा करुला दंड परिमाण अधिक होता जदि दंड परिमाण 3 वर्ष अधिक होता हुए तो यही कोर्ट जमीन दे न था दिलीप राय कौन होता आप बुझीपे तेणु मुझे भावी जमीन मिलवार आशा बढ़ीगला जेहेतु 3 वर्ष रु कम 3 वर्ष जाए सजा करा जाए श्रीजुक्त दास दीर्घ 21 वर्ष धरी कहिबा ए जो चालिला ए मामला ए जो मामलाटी एवं 21 वर्ष तळर ए मामला रे वर्तमान पूर्ण दंडादेश होईची एवं या परे आपण जहा कहउचोती जमीन जेतु 3 वर्ष दंडादेश होईची 3 वर्ष पई जेल दंडादेश होईची सेत पई होत जमीन मिलिबार संभावना रहउची जदी उपर कोर्ट रे चैलेंज करा जाय हाई कोर्ट रे चैलेंज करा जाय एवं सीबीआई तरफ रु कोर्ट ना कोठी आजीवन कारादंडादेश पई अपील करा जिवो एवं अधिक किबडी दंड हेबो सेति पई मध्ये अपील करा जिवो ए क्षेत्र रे दिलीप राय को वकील को तरफ
केते कोन जुक्ति बढ़ाबो एवं ए जुक्ति को केते दूर स्वीकार करा जीवो बोली संभावना रहुची। नहीं जेहेतु तीन वर्ष मैक्सिमम दंड करा जाइछि तेणु मुझे जो जुक्ति गुड़े कहूली जे प्रथम अफेंडर प्रथम कर कन्विक्शन होती प्रीवियस एंटीसीडेंट नहीं प्रीवियस कोर्ट कौन अदालत में कन्विक्शन है मुझे जानी जदि से सीबीआई मत देखेब जी सी गोटे लगातार भाव में अपराध करपराधर जो दंड हाँ पूर्व मत ना आगुरी अपराध मामला अच्छी मत दंडित होती से मुझे जानी किंतु गोटे कथा जेहेतु अच्छी जेहेतु तीन वर्षर कम तीन वर्ष जाए दंड अच्छी मत लगुच संभावना बेसी अच्छी जमीन मिली से हीपरी भाव जो सीबीआई जो जुक्ति रखुच्छी आज जुक्ति केवल रुक जमीन मिल कि ना आज जुक्ति रही दंडादेश कहीं तीन वर्ष होगा कहीं दस वर्ष ना कहीं से अलरेडी राय को प्रकाश कर सारे राय को सार्वजनिक भाव में ओपन कोर्ट्रे समस्त अभियुक्त सामने राय को गले तेणु राय आई कर कोर्ट को ना कहीं से अलरेडी जजमेंट प्रोनाउंस करदे ओपन कोर्ट्रे तेणु से ही दंड ही रही दंडर बढ़ावनी अब तो हुए तो गोटे सेपारती जो जमीन दिजिव से जमीन में सर्त रखा सर्त तो मान्यव अदालत निश्चय रखिए कहीं जो मुझे गोटे कथा कही ए जमीन गोटे सर्तमूलक जमीन एवं किसी समयपाई ए जमीन टी दि जाए थाए जे जो मानक कन्विक्ट मानक से जो जमीन पीरियड भितर एम उपर अदालत बा स्वतंत्र सीबीआई जज उपर अदालत होती स्टेट हाइकोर्ट से स्टेट हाइकोर्ट तेणु से स्टेट हाइकोर्ट को एम आवेदन करेंगे जे आम महकिल ये लगातार भाव में दीर्घ दिन धरी केस विचार कर कोर्ट्रे हाजर होती कोर्ट कौन साक्षी मानक धमक चमक देना बा कोर्ट को कौन भाव अवमानना करना से जड़े राजनीति प्रतिनिधि लोक स्थायी स्थायी भाव रोचार तेणु भावुची हाइकोर्ट जमीन दब ए भावुँ मैक्सीम तीस दिन समय दब से तीस दिन भितर से जमीन से हाइकोर्ट्रे जमीन करने तीस दिन समय देवे से तीस दिन भितर से हाइकोर्ट्रु अपील फाइल करेंगे ये जजमेंट एगेनेस्ट्रेटी जो दंडादेश अच्छी स्थगित करने गोटे जोड़ा कह जाए जे स्टे सेंटेंस अच्छी करेंगे और मुझे जानी जी किसी जरिमाना होती हाइकोर्ट्रे स्टे करेंगे ये सब गुड़ स्टे आने ही अदालत पुणी से पुनर्बार जो स्वतंत्र सीबीआई जज अच्छा पाखे हाइकोर्ट को निर्देश अनुसार हाइकोर्ट जो जमीन देवाई जो थी जमीन तो सर्तमूलक थी केतेज जमीन जीवे केत एवं एक कथा दरकार पड़े आज जो अदालत अच्छा सीबीआई अदालत हुए तो पासपोर्ट को जमा देवाई कर गोटे सर्त रखीपुक्त दास जहाँ कहते तेज बर्तमान तो जहाँ सूचना अच्छी कि दिलीप राय वकिल चर्चा करतमान सीबीआई सीबीआई कोर्ट सहित वकिल सहित ही जना पड़ कौन आगक जहाँ कहे जमीन आवेदन करवर्त पर्यायर पुणी कौन आक्शन दिया परवर्त समय जना पड़ बहुत बहुत धन्यवाद बर्तमान समस्त आपं प्रतिक्रिया आलोचना वरिष्ठ आईनजीवी सिद्धार्थ दास सूचना दूसरे जो भाव में बर्तमान कोईला स्काम दोषी सब्यस्त हो सारी पूर्व दिलीप राय वर्तमान तीन वर्ष जेल दंडादेश होई स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट राय देला परे वर्तमान स्वतंत्र सीबीआई कोर्ट को राय परे वर्तमान दिलीप राय वकिल आलोचना करुछंती सीबीआई कोर्ट वकिल सहित परवर्त पर्यायर हुए तो जमीन आवेदन करवर्त पर्यायर उपरिस्थ कोर्ट को द्वारस्थ हो पारती दिलीप राय अन्य दुई जन जो मैंने सहित तीन वर्ष जेल दंडादेश हो दुई जन होती नित्यानंद गौतम एवं प्रदीप बानर्जी से तीन वर्ष जेल दंडादेश होई प्रतिनिधि सुशील पांडे अधिक सूचना देवाई आम सहित अच्छा फोनलाइन में सुशील जिस हिसाब से तीन साल की सजा सुनाया गया है दिलीप राय और दो जन को अभी क्या कुछ सुनने को मिल रहा है क्योंकि जो पहले से सूचना थी हमारे पास जो दिलीप राय के वकील थे वो कहीं ना कहीं जाके बातचीत कर रहे हैं दिलीप राय की जमीन जमानत के लिए और क्या कुछ अभी जानकारी है। जी देखिए साफ तौर से इस पूरे मामले में पिछली बार अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। आज फिलहाल कोर्ट में दलील देने के दौरान साफ तौर से उनकी तरफ से जो वकील थे उन्होंने कहा था कि दिलीप राय का अपने घर में कमाने वाले हैं और इस पूरे मामले में उन्हें ज्यादा से ज्यादा सजा ना दी जाए। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले में दिलीप राय समेत जो और दो आरोपी थे उनको तीन साल की सजा सुनाई है और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
कोर्ट ने इस पूरे मामले में जो 3 साल की सजा सुनाई है, तो ऐसे में अगर जो भी सजा 3 साल से कम होती है इस तरह के मामले में, तो उनको फिलहाल जमानत लेने में कहीं ना कहीं आसानी होती है। तो उम्मीद ये भी है कि थोड़ी ही देर में कोर्ट से उनकी जमानत अर्जी पर भी कोर्ट सुनवाई कर सकता है और उनको जमानत मिल सकती है। तो अब ये देखना बेहद अहम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो 1999 में झारखंड के गिरिडीह में कोयला आवंटन हुआ था और उसमें अनियमितताएं जो बरती गई थी, उन अनियमितताओं के तहत राव जवेरी कोर्ट का बड़ा फैसला है और इस फैसले में कहीं ना कहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री दिलीप राय को 3 साल की सजा का ऐलान कोर्ट ने किया है। जी जी सुशील, जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं 3 साल की सजा के ऐलान किया और उसके साथ नित्यानंद गौतम और प्रदीप बनर्जी को भी 3 साल की सजा सुनाया गया है, साथ ही साथ जो 10 लाख की जो बोला गया है 10 लाख का जो जुर्माना भरने का, उसको लेके अभी क्या कुछ सुनने को मिल रहा है? क्योंकि पहले कुछ देर पहले ही शंकर आनंद से बात हो रहा था और उनका कहना था कि दिलीप रॉय के जो वकील है वो अभी बातचीत कर रहे हैं। जी देखिए, इस पूरे मामले में दिलीप रॉय के वकील के द्वारा अभी कोई बातचीत नहीं हो रही है। हालांकि इस पूरे मामले में जो सजा 3 साल की दी गई है, उस सजा पर फिलहाल अभी उनके जो वकील हैं वो अपने क्लाइंट को बताएंगे कि इस मामले में क्या होगा। हालांकि जो 3 साल की सजा होती है, 3 साल की जो सजा है, उस सजा के मुताबिक कोर्ट से जमानत मिलने की उम्मीद ज्यादा से ज्यादा नजर आती है, क्योंकि अगर 3 साल से ज्यादा सजा अगर किसी भी आरोपी को दी जाती है तो उनको फिलहाल हाईकोर्ट से जमानत लेनी पड़ती है। लेकिन ये भी निर्भर करेगा कोर्ट पर कि वो क्या इस पूरे मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई करता है या नहीं करता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात होगी और कहीं ना कहीं इस मामले में देखना बेहद अहम होगा कि क्या अदालत दिलीप रॉय की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देता भी है या नहीं देता है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। वैसे में देखना बेहद अहम होगा कि दिलीप रॉय को इस पूरे मामले में कोर्ट से जमानत मिलती है या नहीं मिलती है, लेकिन फिलहाल अभी तक की जो बड़ी खबर है वो यही है कि अदालत ने दिलीप रॉय समेत दो और दोषियों को झारखंड के गिरिडीह में अनियमितता बरतने के मामले में 3 साल की सजा का ऐलान किया। बहुत बहुत धन्यवाद अभी की जानकारी के लिए सुशील आपको। सुशील पांडे अधिक सूचना दौले और जहां पूर्वर मध्य सूचना थिला 3 वर्ष जेल दंडादेश होगा पर पूर्वतन केन्द्रमंत्री दिलीप राय को वर्तमान सीबीआई स्वतंत्र कोर्ट दंडादेश सुनाई, सहित दुई अधिकारी नित्यानंद गौतम और प्रदीप बानाजी को 3 वर्ष जेल दंडादेश हो तेज वर्तमान दिलीप राय वकिलों तरफ यह प्रचेषा जेहेतु 3 वर्ष जेल दंडादेश होती हेत जमीन मिलपे और जमीन आवेदन करेंगे वर्तमान दिलीप राय वकिल और परवर्त पर्याय हुए तो ये जो दंडादेश हो 3 वर्ष जेल दंडादेश कमेवाई उपरिस्त वकिलों द्वारा उपरिस्त कोर्ट का द्वारा सोई पारंती दिलीप राय और बाकी अन्य दुई जन नित्यानंद गौतम और प्रदीप बानर्जी एवं हुए तो उपरिस्त कोर्ट जदि अधिक दंडादेश दे पारंती अथवा ये दंडादेश 3 वर्ष जेल दंडादेश को कम कर पारंती ताहा परवर्ती पर्यायर जना पड़ किंतु वर्तमान जो मुख्य प्रसंग रही जेहेतु 3 वर्ष जेल दंडादेश हो सारी दिलीप राय को वर्तमान जमीन मिलबार संभावना जेहेतु रही वकिलों तरफ यही प्रचेषा ही जमीन किभली मिल परवर्त पर्यायर अधिक कौन पदक्षेप निया जाए परवर्त पर्यायर ही जना पड़।